29वें काव्य में नानार्थ मेकार्थ मदस्तदुक्तं हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतांकेन विभावयन्तिज ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण नानार्थ मेकार्थ मदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतांकेन विभावयन्तिज ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण नानार्थ मेकार्थ मदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतांकेन विभावयन्तिज ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण कवि धनंजय 29वें काव्य में कह रहे हैं नानार्थम यानी अनेक अर्थों की प्रतिपादक एक अर्थम लेकिन प्रयोजन उसका एक ही है तद्युक्तम अदाहितम बचा आपके इन हितकारी वचनों को निशम्य यानी सुन करके के ते वक्तु निर्दोषताम ना व्यभावयंती कि कौन ऐसा होगा जो आप जैसे वक्ता की निर्दोषता का अनुभव नहीं करेगा और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यह ज्वरेण मुक्ता जो ज्वर से मुक्त होता है सा स्वरेण सुगमः उसका जो स्वर होता है वो सुगम होता है अर्थात वो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं यानी ज्वर का जो स्वर होता है वो अलग रहता है और जो ज्वर से रहित होता है उसके स्वर को सुन करके ही पहचान जाते हैं इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपके जो हितकारी वचन हैं जो अनेक अर्थों के प्रतिपादक होने के बाद में भी सबका प्रयोजन एक ही है अहिंसा करुणा और संसार से पार उतारने वाला तो ऐसे आपके इन वचनों को सुन करके कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप जैसे वक्ता की निर्दोषता का अनुभव नहीं करेगा अर्थात आपके वचन को सुन करके ही समझ जाते हैं कि ये सारे दोषों से रहित हैं इसलिए इनके वचन ऐसे हैं और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जो ज्वर से मुक्त स्वर होता है वो सहजता से समझ में आ जाता है जब ज्वर होता है उस समय में आप पूछो किसी से कैसी तबीयत है तो वो उसमें आवाज़ में ही पीड़ा छुपी होती है हाँ ठीक है तो उसमें लोग समझ जाते हैं कि अभी ठीक नहीं है तो ऐसी जो है स्वर को ही सुन करके जैसे समझ जाते हैं ऐसे ही भगवान की जो वाणी है वो उनकी वाणी को सुन करके समझ जाते हैं कि ये किसी निर्दोष की वाणी है क्योंकि जो दोष से युक्त वाणी होती है जो स्वयं दोषों से युक्त होता है उसकी वाणी में भी वहाँ पर सुन करके समझ में आ जाता है क्योंकि उनकी वाणी में कहीं कुछ और कहीं कुछ रहता है स्वयं वचन बाधित भी हो जाते हैं कभी करुणा अहिंसा का उपदेश देते हैं और कहीं कहीं पर वही हिंसा का भी समर्थन करते हुए दिख जाते हैं लेकिन भगवान के वचनों को सुनकर के जब भी अपन देखते हैं तो वहाँ पर अहिंसा धर्म का ही प्ररूपण होता है ऐसे भगवान की वाणी को सुनकर के कौन नहीं समझ सकता कि ये कोई निर्दोष व्यक्ति के वचन हैं जहाँ साधुओं के वचन भी अपन सुनते हैं तो उसके माध्यम से भी उनके वचनों में भी अपने लिए निर्दोषता वीतरागता करुणा अहिंसा और सत्मार्ग का
प्ररूपण करने वाली दिखाई देती है। कल हमने बड़े पंडित जी जगनमोहन लाल जी के बारे में वो बताया था, वो बड़े विद्वान थे, अच्छे वक्ता थे और बीच में कुछ अन्य धारा से भी प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में आचार्य श्री के सब संपर्क में आए। आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान कि उन्होंने बहुत सारे विद्वान जो उस समय में सारे जो मुख्य मार्ग है उसको छोड़ करके जाने वाले थे, सारे के सारे जो हैं मुख्य मार्ग की धारा से जुड़े थे। तो आचार्य श्री उन विद्वान के लिए हमेशा कि विद्वान वही श्रेयस्कर है जो आखिरी में चारित्र को तो कम से कम धारण करे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी भले ही जो प्रौण अवस्था में दीक्षा ली थी, क्योंकि उनका उस समय में उनकी माता का आग्रह था कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें छोड़ करके नहीं जाना। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पिता का आग्रह था, इसलिए उन्होंने भी प्रौण अवस्था में दीक्षा ली थी। लेकिन चारित्र के पथ पर जो विद्वान बढ़े यही उसके ज्ञान की सही सार्थकता है। तो आचार्य श्री उनके लिए प्रेरित करते रहते थे। वो बड़े विद्वान थे, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो आचार्य श्री ने एक बार जहाँ ध्यान का प्रकरण आया तो उस समय में प्रवचन में बीच में कहा कि जिनका संस्थाओं से जुड़ाव हो, यानी जिनका संस्था विषय ध्यान चलता हो, संस्था के बारे में ध्यान चलता हो, क्या वो संस्थान विषय धर्म ध्यान कर सकते हैं? ऐसी उनको प्रेरणा देकर के जो संस्थाओं से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, क्योंकि जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है वो लौकिक जो है चीज़ों से ऊपर उठे, ये प्रेरणा देने के लिए उनके लिए, तो उनके लिए उसके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त हुई और वो धीरे धीरे जो है वैराग्य की ओर बढ़े। वैसे तो उन्होंने 7 प्रतिमाएँ बरणी जी की जहाँ पर समाधि हुई थी उसके बाद ली थी, क्योंकि बरणी जी ने उनके पिताजी से 7 प्रतिमाएँ ली थी, तो इन्होंने भी सोचा कि उनसे हमें 7 प्रतिमाएँ लेना चाहिए, लेकिन उस समय में जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाते उनकी समाधि हो चुकी थी, तो उन्होंने उनकी समाधि पर ही 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए थे। आचार्य श्री चाहते थे कि वो दीक्षा भी धारण करें, उनके दीक्षा के भाव बनाने के लिए उनके सामने दीक्षा भी दी आचार्य श्री ने, क्षुल्लक दीक्षा भी दी, लेकिन वो मन में ऐसा उनके भाव था कि नहीं, इस समय में तो इतना ही पल सकता है, जबकि आचार्य श्री की चर्या से बड़े प्रभावित थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी धारणा उनकी बन गई थी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अध्यात्म अमृत कलश, जो अमृतचंद जी के कलश हैं समय सार पर, उसकी उन्होंने व्याख्या की है, और जो उन्होंने लिखा था वो आचार्य श्री को दिखा रहे थे। आचार्य श्री उनके उस ग्रंथ को निरीक्षण कर रहे थे और उसमें जब 77 नंबर पेज आया वहाँ पर उन्होंने कुछ वैराग्य की चर्चा की थी, और आचार्य श्री ने उसको देखा तो उन्होंने कहा, उस समय में 77 ही सन था, तो आचार्य श्री ने कहा कि अच्छा आंकड़ा है, 77वां पेज है और आपकी उम्र भी 77 साल की है और ये 77 सन भी चल रहा है, और यहाँ पर वैराग्य का जो प्रसंग है वो आपके वैराग्य के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो उस समय में उनके मन में वैराग्य के कुछ भाव तो बड़े थे, लेकिन आचार्य श्री इस प्रकार से अपने शब्दों के माध्यम से हमेशा वैराग्य के ही जो विषय को प्रकट करते रहे। कभी भी उन्होंने अपने जहाँ वर्णन आता है, प्रवचन करते हैं, उसमें हमेशा करुणा अहिंसा वैराग्य का ही वर्णन करते हैं। जब अन्य लोगों को अपन देखते हैं कि उनके प्रवचनों में वहाँ पर कई बार ऐसे विषयों को भी ले लेते हैं जिसमें कि एक जो है विषय चलता है, लोग कहते हैं कि जहाँ 6 ढाला में आता है कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है कि आकुलता जो है मोक्ष मार्ग में नहीं होती, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, लेकिन व्याख्या क्या करते हैं, भैया उपवास करो, एकासन करो और आकुलता से जीवन जो है निकालो, दिन निकालो, इससे अच्छा है हम तो 2 बार भोजन करते हैं और 4 बार जो है निराकुल होकर के स्वाध्याय करते हैं। ये प्रसंग जो है जिनागम में कहीं पर भी इस प्रकार की व्याख्या नहीं की गई। यदि इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं तो वो तो ऐसे लोगों को जो लोग
सुखियार हैं, सुखी रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है कि भैया ऐसा अच्छा धर्म है जहाँ पर कोई भी दुख ना हो, कष्ट ना हो। जबकि छह ढाला में ही एक पंक्ति आती है कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। संवर तत्व की भूल में बतलाया है कि जो वैराग्य का ज्ञान है, जिसके लिए कष्ट प्रद यदि महसूस होता है, इसका मतलब है अभी संवर तत्व की भूल जो है बैठी हुई है, सम्यक भी वहाँ पर कैसे हो सकता है। तो जहाँ इस प्रकार की व्याख्या की जाती है, उनके वचनों को सुनकर के ही कि इनके मन में कुछ मंतव्य छुपा हुआ है, वो वहाँ पर प्रकट हो जाता है। आचार्य श्री ने एक कविता लिखी है, उस कविता का भाव यहाँ पर कि जिस वक्ता में धन कंचन की आस, यदि धन और कंचन की आस होती है और पाद पूजन की प्यास जीवित है कि हमारी जो है खूब जो है तरक्की हो, खूब हमारी प्रसिद्धि हो, खूब लोग हमारे लिए पूजें, वह जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। यानी उस समय में देख करके भीड़ के इनको कैसे प्रभावित करना है, अवसरवादी बनता है, आगम के भाल पर घूंघट लाता है, आगम का जो मंतव्य है उसको छुपा करके घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदल देता है, जैसे झट से अपना रंग बदल लेता है गिरगिट। ऐसी जो व्याख्या होती है जहाँ पर आगम के विरुद्ध व्याख्या करके केवल लोगों को धर्म में कि जहाँ धर्म का जो मूल मार्ग है उससे विपरीत यदि प्रवर्तन वर्णन करते हैं, तो वो ऐसी ही स्थिति को बतलाने वाला होता है। जहाँ भगवान की वाणी जो सभी दोषों से रहित है, उसमें कहीं पर भी कोई दोष नहीं है, उसका जब वर्णन किया जाता है तो उसी के आधार पर करना चाहिए। यदि उसके आधार पर नहीं कर रहे हैं, अपन उसमें हेर फेर कर रहे हैं, तो ये अवर्णवाद जो कि मिथ्यात्व के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। जब पंडित जगनमोहन लाल जी, जो कि साहू श्रेयांश प्रसाद जी, उनके यहाँ पर प्रवचन करने के लिए जाते थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर सुनते थे, पर्युषण में जब छठे अध्याय में बव्वारंभ परिग्रत्वम नार कश्यायुषा इसकी व्याख्या की, तो वहाँ पर बड़े बड़े सेठ लोग कि फिर पंडित जी हमारा क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो इसमें लिखा है वैसा ही होगा, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में फंसे हुए हैं उनके लिए नरक आयु के आश्रम का ही द्वार खुलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अब कोई बड़े व्यक्ति हैं तो उसमें अपना परिवर्तन कर दो, नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो बड़े धार्मिक हो ऐसा करके, लेकिन उसमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का यदि भाव है तो उसमें वो नरक आयु के लिए, उससे जो है निवृत्त नहीं होंगे तब तक जो है नरक आयु के लिए ही द्वार का रास्ता रहेगा। जो कहा जाता है कि जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा राजा पद पर यदि मरण को प्राप्त होता है तो नरक में जाता है, वो यदि सब कुछ छोड़ करके और दीक्षा धारण करता है तो उस समय में उसके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं तो स्वर का मार्ग तो अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है जहाँ पर वर्णन आता है उसमें उसी प्रकार से यदि वर्णन किया जाता है तो वो भगवान की वाणी की निर्दोषता के माध्यम से लोगों को सतपथ दिखाता है। एक साधु जिनके पास में एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें सोना बनाने की विधि थी और पारद रसायन ग्रंथ उनके पास में था, एक शिष्य बार बार निवेदन करता कि वो हमको पढ़ने के लिए दे दो, और उन्होंने कहा कि जब तक इसको पढ़ने नहीं देंगे तब तक इसको मन और कहीं नहीं लगेगा कि ले ठीक है पढ़ो इसको, और उसकी उसमें जो है 7 दिन तक वो लगातार उसको ना खाने का होश ना पीने का होश, बस केवल वो स्वर्ण बनाने की जो विधि बतलाई है उसके अध्ययन में लगा रहा। 7 दिन के बाद में जब पूरा पढ़ लिया तो गुरु ने पूछा कि क्या हासिल हुआ, तो उसने कहा कि अब मैं इसके माध्यम से बहुत सारा सोना बनाऊंगा, बहुत बड़ा भवन बनवाऊंगा और बहुत सारे लोग जो मेरे सामने अहंकार दिखाते थे उनके अहंकार को चूर करूंगा। तो गुरु ने कहा कि तुम
पशु के पशु बने रहोगे, कसायों से ही लिप्त रहोगे, तुमने हमारे पास में आकर के कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और जब उसने गुरु के ऐसे वचन सुने तो उसने उस समय में कि गुरुदेव जब तक ये ग्रंथ रहेगा तब तक इससे बहुत सारे लोग मेरे जैसे प्रभावित होकर के स्वर्ण बनाने की चाह में फंसे रहेंगे, आप ऐसे ग्रंथ को रखते क्यों? तो गुरु के लिए भी उससे दिशा प्राप्त हुई और उन्होंने उसको अग्नि में समर्पित कर दिया। वो शिष्य भी परिवर्तित हुआ, साथ साथ में गुरु उसको संभाल करके रखे हुए थे उनके लिए भी उसने दृष्टि प्रदान कर दी। तो जहाँ जो संसार का मार्ग है यदि उसी का प्ररूपण हो रहा है तो वो वास्तव में भगवान की वाणी नहीं है, वो भगवान की वाणी का अपलाभ है। आचार्य के पास में एक व्यक्ति नैनागिर चतुर्मास, बहुत पुरानी बात है, उस समय में निवेदन करने लगा कि आचार्य जी हम नियम लेने से डरते हैं। बहुत सारे लोगों को नियम लेने से डर लगता है, हम कुछ त्याग भी नहीं कर सकते लेकिन आपको आहार देने की बड़ी तीव्र भावना है। और आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला तो उसने समझा कि मौन सम्मति लक्षणम, मतलब इन्होंने कह दिया है कि आहार ले लेंगे, और वो आहार देने पहुँच गया। आचार्य जी ने कुछ नहीं शुद्धि बोली और उसने आहार देना प्रारंभ किया। आचार्य ने ले भी लिया। बाद में जब आहार पूर्ण हुआ तो कमंडल लेकर के वो आगे आगे चल रहा था। आचार्य जी रस्ते में ही बोलने लगे, आप क्या करते हैं? तो उसने बताया कोई सर्विस करते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि आहार दान दिया है, कुछ तो नियम लेना चाहिए। कहा कि कम से कम एक काम तो कर सकते हो, विटामिन आर का त्याग कर सकते हो। तो उसने पूछा ये विटामिन आर क्या होता है? तो आचार्य जी ने कहा कि रिश्वत लेने का त्याग। तो कहले हाँ ये तो मैं जो है लेता भी नहीं हूँ, इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, इसका तो मैं त्याग कर सकता हूँ और आपके सामने मैं आज इसका त्याग करता हूँ, अब मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगा। तो आचार्य जी ने कहा कि इसके माध्यम से तो तुम्हारे सारे व्रतों का पालन हो जाएगा, तुम सारे व्रतों के धारी हो गए हो, अणुव्रती हो गए हो। तो कहले ऐसे कैसे? तो कहले देखो जिससे तुम रिश्वत लेते हो उसको पीड़ा होती, अब तुम रिश्वत नहीं लोगे तो तुम्हारा अहिंसाणु व्रत हो गया, और रिश्वत लेने के लिए तुम कई जो हैं बार कुछ का कुछ बता करके झूठ बोल करके उससे रिश्वत के लिए तैयार करते हो, तो अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा तो तुम्हारा सत्याणु व्रत हो गया, और जिसकी तुम लेने की इच्छा करते हो वो शासन के विरुद्ध है तो वो चोरी हो गई तो तुम्हारा अचौर्याणु व्रत भी हो गया, और जब पैसा तुम्हारी जो तनख्वाह का आएगा तो यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं होगी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्याणु व्रत भी हो जाएगा, और सीमित जब धन रहेगा तो तुम्हारा परिग्रह परिमाण व्रत भी हो जाएगा, और जब तुम्हारे पास में सीमित धन रहेगा तुम इधर उधर नहीं जाओगे, समय पर घर लौट आओगे तो तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं त्याग से डरता था लेकिन आपने मुझे सहजता से त्यागी बना दिया। तो ऐसे वचन जो होते हैं जो सबके लिए मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करें वो वास्तव में भगवान की ही वाणी है ऐसा मान करके, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, जो उनका सहारा लेते हैं वो भव से पार होने के मार्ग पर अवश्य लग जाते हैं। जब पंडित भूरामल जी, शायद हो सकता है पहले भी सुनाया हो आपको, एक बार उन्होंने दिल्ली में चतुर्मास किया और उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने समय सार पढ़ा करके और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को वृत्ति बनाया, और चतुर्मास के बाद में कहीं और चले गए, दो चार साल बाद लौट करके आए, और आने के बाद में कुछ लोगों से जब परिचित हो जाते हैं लौट करके आने के बाद में उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि बीच में कुछ ऐसे प्रवचनकार यहाँ पर आए कि जिन्होंने चारित्र के प्रति जो है हे दृष्टि उत्पन्न कर दी, कुछ तो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने प्रतिमाओं को भी छोड़ दिया है और कुछ ऐसे हो गए हैं कि मंदिर आना भी छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने सबको जो है प्रेरित करके कि तुम उनसे बोलो कि क्या ऐसा उन्होंने स्वाध्याय किया है जिसके माध्यम से ऐसी गलत धारणा हो गई है,
और उन्होंने कर्म कांड के साथ में, यानी कर्म कांड भी साथ में पढ़ाया और साथ साथ में समय सार को उनको पुनः पढ़ा करके जो लोग अपने अपने व्रतों से स्खलित हो गए थे उनको पुनः स्थितिकरण वहाँ पर किया। तो ये जो है भगवान की वाणी का जहाँ पर पान करते हैं तो उसके माध्यम से कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते, लेकिन जिनका मंतव्य ही अलग है वो वहाँ पर इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं वो भगवान की वाणी नहीं, छद्मस्त की वाणी, अपने मन की वाणी है, कुछ मन में जैसा भाव उसका समझ लिया उस प्रकार से प्ररूपण करते हैं वो जो है सदोषी वाणी होती है। इसीलिए एक कवि ने लिखा है कि अपनी कमी को ढांकने आगम कभी ना मोड़ना, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को ना जोड़ना। भरतेश, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देकर के बहुत सारे लोग कि उन्होंने आखिरी समय में जो है दीक्षा लेकर के और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम भी घर में रह करके सारी साधना कर रहे हैं और बस थोड़ी सी देर में जो है हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो इस प्रकार से कह करके परिग्रह रखते हुए कि इनके पास में भी तो 6 खंड का परिग्रह था, उनका उदाहरण दे करके बहुत परिग्रह की जो जोड़ने की भावना है वो वहाँ पर सही जो है दृष्टि नहीं है, वहाँ पर आगम के साथ में खिलवाड़ है। जब आचार्य श्री का सागर में निवास था उस समय में और वहाँ षटखंडागम की वाचना चल रही थी, जब वो वाचना पूर्ण हुई तो सारे विद्वानों ने मिलकर के कि आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए, और उन्होंने जिसमें मुख्य पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि आचार्य श्री एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनके माध्यम से हमको समय सार की मूलाचार की गाथाएं जीवंत हुई हैं, ऐसे आचार्य के दर्शन बहुत समय से किसी के लिए नहीं हुए हैं, ऐसा उन्होंने कह करके, और हम सब लोग चाहते हैं कि आचार्य श्री को आज हम चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित करें, ऐसा कह करके वो सारे विद्वानों ने ताली बजा दी। आचार्य श्री ने उस समय कुछ नहीं कहा, जब उनके लिए प्रवचन के लिए निवेदन किया तो उस समय में उन्होंने कहा कि यदि सरागी यदि बीतरागी को अलंकृत करे तो उसमें बीतरागी के लिए कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाती है, और इन उपाधियों को जिनको की साधु परिग्रह समझता है उनके माध्यम से कौन सी साधना की उपलब्धियों को साधु प्राप्त कर सकता है, आप लोगों ने पूछा नहीं और बिना पूछे ये कार्य किया, ये आपने ठीक नहीं किया, और जितने भी संसार के पद हैं सब जो हैं दुख के आस्पद हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने एक पद पद पर बहुपद मिलते हैं पर ये दुख के आस्पद हैं, श्रेय बही निज एक निजी पद सकल गुणों का आस्पद है। अपना आत्मा का जो पद है वही जो है श्रेय है, कल्याणकारी है और वही समस्त गुणों का आस्पद है, ऐसा कहकर के उन्होंने कहा कि आप सब लोगों के लिए यही मेरा आदेश है, यही उपदेश है और यही संदेश है कि ऐसे परिग्रहों को, ऐसी उपाधियों को आप अपने पास रखें और हम साधुओं को इससे मुक्त रहने दें, क्योंकि ये उपाधियाँ भी परिग्रह का स्वरूप हैं। जब लोगों ने सुना तो एकदम विस्मय में चौंक उठे, उनकी आँखों में आंसू भराए और उनकी निर्लिप्तता देख करके सब लोगों ने आचार्य जी से बाद में क्षमा भी मांगी, लेकिन जिनकी वाणी के माध्यम से अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ भगवान की वाणी निर्दोष होती है और जो चारित्र निष्ठ साधु होते हैं उनकी वाणी भी भगवान की वाणी है इसलिए उसमें भी कभी दोष नहीं होता, तो जिसको सुनकर के सहजता से लोग समझ जाते हैं कि ये निर्दोष की वाणी है। और जैसे उदाहरण दिया है कि जो स्वर ज्वर से रहित होता है उसको सुनने से समझ जाते हैं कि ये ज्वर से मुक्त है, ऐसे ही निर्दोष की वाणी का पान करके हम भी जो है निर्दोषता प्राप्त करें, इस भावना से पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। नानार्थ मेकार्थ मदस्तदुक्तम हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतां के नाभिभावयन्तिज ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण
स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला वचनों के अर्थ नाना पर एक ही प्रयोजन हितकारी सुन प्रभु के निर्दोष माने सब जिन जाने सहज जो सुन कर स्वर ज्वर विमुक्त आला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार